गुड इवनिंग दोस्तों, आज मैं एक डिफरेंट स्टाइल की फिल्म देखकर आया हूँ। आई डोंट नो, आई हैव मिक्स्ड इमोशंस अबाउट दिस फिल्म। पता नहीं आई शुड डिस्कस दिस विथ यू ऑल, आई शुड एक्सप्रेस ऑन दिस फिल्म, बट हाँ, आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ ऑन दिस फिल्म। फिल्म का नाम है वर्ल्ड फेमस लवर। इट्स अ साउथ इंडियन फिल्म। 14 फरवरी 2020 का रिलीज है, यानी कि इसी साल वैलेंटाइंस डे पे रिलीज हुई है। 2 घंटे 34 मिनट की फिल्म है। इट्स अ रोमांटिक फिल्म। 998 लोगों ने इसे रेट किया है। 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है। डायरेक्टेड बाय मिस्टर क्रांति माधव। स्टार्स है विजय देवरकोंडा, राशि खन्ना, ऐश्वर्या राजेश, कैथरीन त्रेसा एंड इजाबेला लेटे। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दीज टू नेम्स प्रॉपरली। फिल्म एक बुक की कहानी है, ऐसा कह सकते हैं हम, या ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म एक राइटर की कहानी है जो एक बुक लिखता है जिसमें 3 चैप्टर्स है। हम ऐसा कह सकते हैं कि फिल्म प्यार करना जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, उसके बारे में ये कह सकते हैं हम। हाँ, मैं एक ही फिल्म के इतने सारे अलग अलग पहलू आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म एग्जैक्टली क्या है ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आई डोंट नो इफ आई हैव अंडरस्टूड द फिल्म प्रॉपरली। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड आई एम एक्सप्रेसिंग दैट। सो टॉकिंग अबाउट द फिल्म, फिल्म स्टार्ट्स विद अ कपल, गौतम एंड यामी। गौतम का रोल निभाया है मिस्टर विजय देवरकोंडा ने और यामी का रोल निभाया है राशि खन्ना इन्होंने। फिल्म स्टार्ट्स विथ सेक्स एक्टिविटी। सेक्स के बाद द हीरो स्लीप्स। नेक्स्ट डे मॉर्निंग राशि खन्ना गेट्स अप, मेक्स द ब्रेकफास्ट, हैज अ बाथ, क्राइज एंड गोज टू द ऑफिस। आफ्टर सम टाइम द गौतम वेक्स अप, रीड्स अ बुक, हैज अ ब्रेकफास्ट, व्हाइल हैविंग द ब्रेकफास्ट स्टार्ट्स वॉचिंग टॉम एंड जेरी एंड स्लीप्स ऑन द सोफा अगेन फॉर द एंटायर डे। आगे के 2-3 दिन यही हो रहा है। ये होते होते साइड में हम ये देख रहे हैं कि वॉट एवर हैपनिंग विथ यामीज लाइफ, शी इज नॉट हैप्पी विथ इट। शी इज फीलिंग क्लस्ट्रोफोबिक और शी इज फीलिंग स्टैगनेंट और शी इज नॉट हैप्पी विथ वॉट एवर गौतम इज डूइंग। गौतम इज नॉट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड वन फाइन डे शी ब्रेक्स अप विद हिम सेइंग कि यू आर नॉट राइटिंग द बुक, यू हैड आस्क्ड मी 1 ईयर एज यू वॉन्टेड टू बिकम अ राइटर। यहाँ पे फिल्म पास्ट में चली जाती है जहाँ पे हमें एक विजुअल दिखता है जहाँ पे गौतम जॉब छोड़ के आया अपनी अच्छी खासी, यामी को बोलता है कि 1 साल के लिए मुझे सपोर्ट कर, मैं राइटर बनना चाहता हूँ, मैं कुछ बुक लिखना चाहता हूँ। और यहाँ से ये फिल्म अच्छे से शुरू होती है। आउट ऑफ रेज गौतम स्टार्ट्स राइटिंग अ बुक एंड हिज फर्स्ट स्टोरी इज श्रीनु और सुवर्णा, एक मैरिड कपल है और सिनेया नाम की एक कंपनी मैनेजर है। श्रीनु एक यूनियन लीडर है और उसके उस कोल माइनिंग कंपनी की वो मैनेजर है। उन तीनों का एक स्टोरी है। अब फिल्म में टोटल टेक्निकली 3 ही स्टोरीज है जो कि बुक में भी 3 ही स्टोरीज है। बुक की जो 3 स्टोरीज है वो एक है श्रीनु और सुवर्णा की, दूसरी है गौतम और ईजा की पैरिस वाली, और तीसरी है गौतम और यामी की। अब श्रीनु और सुवर्णा की स्टोरी और गौतम और ईजा की पैरिस वाली स्टोरी आर फिक्शनल स्टोरीज, जबकि गौतम और यामी की स्टोरी इज अ रियलिस्टिक स्टोरी। हाउ इट फोल्ड्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स इज समथिंग इंटरेस्टिंग विच यू मे लाइक टू सी। थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि 3 स्टोरीज को 4 स्टोरीज बना के दिखाया गया है, हालांकि उसमें से स्टोरीज है 2 ही जो लिखी है तीसरी स्टोरी के एक बंदे ने जिसे वो चौथी बना के दिखा रहा है। सो इट्स क्वाइट हॉचपॉच नहीं कहूँगा, बट इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग। यू नो, 4 कैरेक्टर्स की 4 डिफरेंट स्टोरीज होती है, तो ऐसे काफ़ी फिल्में हम देख चुके हैं। पर यहाँ पे 1 कैरेक्टर 1 स्टोरी जी रहा है, 2 स्टोरीज लिख रहा है और 3 स्टोरी उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहा है जो वो जीना चाहता है, समथिंग लाइक दैट। सो ऑल इन ऑल इट वॉज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस। मैंने ज़्यादा एंजॉय नहीं की, रोमांस जॉनरा था, कुछ और देखना चाहता था मैं, बहुत दिन हो गए रोमांटिक जॉनरा का कुछ देखा नहीं था। सो नाउ कमिंग टू द फिल्म, प्रोडक्शन डिज़ाइन इज़ ब्यूटीफुल। जैसे गौतम और यामी का जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, दे आर फ्रॉम अ रिच क्लास, सो उनका काफ़ी अच्छे से बैकड्रॉप रिच दिखाया है, उनके क्लोथ्स, उनका पहराव, उनका चाल ढाल,
उनका डायलेक्ट एंड एवरीथिंग, वेयर एज श्रीनु और सुवर्णा आर फ्रॉम लोअर बैकग्राउंड. फॉर एग्जाम्पल यूनियन लीडर्स है तो मिल कामगार है, कोल मिल वाले है वो लोग, कोल मिल कामगार, घर छोटा सा, वन रूम किचन टाइप्स, यू नो, नॉट झोपड़पट्टी, पर झोपड़पट्टी से थोड़ा बेहतर. एंड देन दिस पैरिस, ही इज पैरिस थिंग, तो इट इज अनदर डिफरेंट स्टाइल. वो एक्चुअली पैरिस में ही शूट किया गया है ऐसा लग रहा है मुझे, तो वहाँ के डिफरेंट कल्चर, यू नो. प्रोडक्शन डिजाइन में ये भी चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि अगर गौतम और यामी की बात चल रही है तो उनके जो फिल्म में दिखने वाला क्राउड है, जूनियर्स है, वो भी डिफरेंट है. यहाँ पे श्रीनु के स्टोरी में भी डिफरेंट है और ईजा के स्टोरी में पैरिस में भी डिफरेंट है. एंड तीनों स्टोरीज, जब यामी गौतम को ब्रेकअप देती है तब वो तीन लाइन्स कहती है, और ये बुक की तीनों स्टोरीज आर ऑन those three lines, which is a really beautiful thing. Sound design काफ़ी बढ़िया किया गया है और अच्छा हो सकता था. गाने हैं obviously, दो या तीन गाने हैं पूरे फिल्म में. फिल्म को as such खुद की ऐसी कुछ लैंग्वेज नहीं है unfortunately. Talking about the things which I have liked about the film, I have loved the cinematography, I have loved the look and feel of the film. Vijay Devarakonda as charming and young looking, and the way this guy uses his eyes is something different. I have not seen anyone using the eyes in such well manner after Shah Rukh Khan in recent time. I'm not talking about Hollywood people or any other Bollywood people, but Shah Rukh Khan ke baad agar kisi ko maine apni aankhon ka itne acche tarah se istemal karte hue dekha hai to wo Vijay hai. Actresses have played a really very nice role. उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अपने अपने कैरेक्टर को जस्टिस दिया है. Coming to the things which I have not liked, first and foremost the title. World famous lover is something pretty old school title for me. मतलब फिल्म आधे लोगों ने इसीलिए शायद देखी नहीं है क्योंकि ऐसा टाइटल है. टाइटल काफी पुराना है. It takes you to the you know old school south indian films, old school pehle aisi filmein aati thi, you know, Lucky the Racer and all that stuff. You must have seen the hollywood, not hollywood films, the tollywood films. To world famous level ke jagah pe agar koi aur title hota jo thoda sa interesting hota, kya hota, to shayad isme thoda aur interest aa jata. Jabki ye us book ka bhi title hai jo book गौतम लिखता है, एंड वहीं पे थोड़ी सी फिल्म लूज पड़ती है. फिल्म एक्चुअली क्या कहना चाहती है ये क्लैरिटी नहीं है फिल्म में. सो ऑल एंड ऑल, यू नो, अगर फिल्म की क्लैरिटी ये होती कि इट इज टॉकिंग अबाउट लव, और इट इज टॉकिंग अबाउट सैक्रिफाइस, और इट इज टॉकिंग अबाउट कॉम्प्रोमाइज, इट इज टॉकिंग अबाउट एडजस्टमेंट, इट इज टॉकिंग अबाउट द जर्नी, इट इज टॉकिंग अबाउट द पेन. नो, ऑल इन ऑल एक मसाला फिल्म बनाने के चक्कर में, ऑल इन ऑल खूबसूरत हीरोइंस को दिखाने के चक्कर में, ऑल इन ऑल विजय देवरकोंडा के एक्सपोजर के चक्कर में फिल्म कहीं पर खो गई ऐसा मुझे लगा. फिल्म बहुत अच्छी हो सकती थी, फिल्म में पोटेंशियल था. अनयूजुअल वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है कि एक एक्टर, एक कैरेक्टर जो दो स्टोरीज लिखता है उसे तीन स्टोरीज प्रेजेंट करता है. टोटल चार स्टोरीज हो जाती है एक फिल्म में. सो इट वॉज समथिंग डिफरेंट, बट I wish they could do it in a better manner. That's what I am thinking about this film. Please, आप भी इस फिल्म को देखिए, World Famous Lover. It's a 2020 release, 14 February 2020 का release है. It's there on Amazon Prime, it's there on Netflix. Please go watch the film and let me know in the comment box how you are thinking about this film, what have you thought about this film. क्या आपको ये फिल्म पसंद आई या ना पसंद आई, आपको ये फिल्म ढीली लगी, स्लो लगी, बोरिंग लगी, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस. एंड ऑल्सो टेल मी अबाउट दिस वीडियो, व्हाट डू यू थिंक, डू यू हैव एनी सजेशंस अबाउट मी मेकिंग दिस वीडियोस. प्लीज़ गिव मी अ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. मैं श्रीनि ग्लाइडर आपसे अलविदा लेता हूँ. आई होप आप घर में रह रहे हैं, सुरक्षित रह रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग द सोशल डिस्टेंसिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. सो आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो विथ अनदर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, वेब सीरीज और एपिसोड. तब तक हैव अ ग्रेट नाइट एंड बाय बाय.